आइए एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन का रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो है 2x² + x + 4 = 0। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है, जहां a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b x का और c कांस्टेंट होता है। अब हमें अपने इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a = 2, a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। b = 1, x का कोएफिशिएंट 1 है और c = 4, कांस्टेंट 4 है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है x = -b + √b² - 4ac / 2a। अब इस फॉर्मूले में वो अपने a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो x = होगा -b - √b² - 1 + 4ac (4×2×4)/2a यानी 2×2, दैट इज x = -1 + √1 - 32/4, दैट इज x = -1 + √31/4। हम यहाँ देख सकते हैं कि रूट के अंदर -31 है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू -31 है। Here b² - 4ac = -31, hence b² - 4ac = 0। हम देख सकते हैं कि b² - 4ac की वैल्यू -31 है और इसका मतलब है कि b² - 4ac 0 से लेस है। We know that for any real root b² - 4ac > 0। हम जानते हैं कि किसी भी रियल रूट के लिए b² - 4ac को 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। Therefore, this equation has no any real root.